तो दोस्तों अगला सवाल है कि डिग्री फाइनल कब होती है? अ डिग्री बिकम्स फाइनल व्हेन इट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ सूट एंड फाइनली सेटल्स ऑल द क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। ये ऑप्शन सही है। व्हेन नो अपील हैज बिन फाइल अगेंस्ट इट, ये भी नेसेसरी है। व्हेन इट हैज बिन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही कंडीशन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही जो पॉइंट हैं ये तीनों मिलके डिग्री को फाइनल करते हैं। क्या तो जब सुप्रीम कोर्ट देगा तब डिग्री फाइनल होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट है। या जब किसी की डिग्री हो गई और उसने अपील नहीं फाइल करी तो वो डिग्री फाइनल होगी। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, एक ऑर्डर में लगे हुए हैं। पहले ये होगा कि व्हेन इट कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ सूट एंड फाइनली सेटल्स ऑल द क्वेश्चंस इन द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। अब उसके बाद अपील नहीं हुई तो ये फाइनल हो जाएगी, और अगर अपील हो गई उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट देगा तो ये फाइनल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीगल रिप्रेजेंटेटिव? एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, हिंदू को पार्सनर एंड मैरिड डॉटर्स, ये दोनों तो होते हैं। दोस्तों लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होता है जो किसी डिसीज्ड की स्टेट को यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो क्रेडिटर तो नहीं होता है दोस्तों, और इंटरमीडियर भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्रेडिटर्स है। तो दोस्तों यहां आपको ध्यान ये देना है कि नॉट है, नॉट, तो इनमें से तीन होंगे। तो ये एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर है, हिंदू को पार्सनर एंड मैरिड डॉटर है, और इंटरमीडियर है। तो क्रेडिटर इसका सही आंसर है दोस्तों। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। दोस्तों अगला सवाल है कि इनमें से किसमें रेजिडी काटा अप्लाई होगा? ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर डिक्लेरेशन दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड एज हेयर ऑफ सी, राइट। द सूट वॉज डिसमिस्ड, वो सूट डिसमिस हो जाता है। अब वो एक और मुकदमा फाइल करता है जिसमें वो एडवर्स पोजेशन की प्ली लेता है। तो अब यहाँ कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंस हो गया, तो मेरे ख्याल से यहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ए सूज बी फॉर पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ सेल डीड इन हिज फेवर एंड बी इम्प्यूज द डीड एट फिक्टिशियस। बी कहता है कि ये तो फर्जी है। द प्ली इज अपहेल्ड एंड द सूट इज डिसमिस्ड। ए अ सब्सिक्वेंट सूट इज फाइल्ड फॉर सम अदर प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ सेम सेल डीड। अब जब उस डीड को एक बार फिक्टिशियस डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसको उसके ऊपर बार बार मुकदमा कैसे हो सकता है? एक बार फेक हो गई तो फेक हो गई। तो यहां मेरे ख्याल से रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए फाइल्स एविक्शन पिटिशन अगेंस्ट बी द टीनेंट ऑन ग्राउंड ऑफ मिसयूज, मतलब वो मिसयूज पे फाइल करता है एविक्शन पिटिशन, ठीक है, और बाद में फिर वो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पे फाइल करता है। यहां उसकी कॉम्प्रोमाइज डिग्री हुई है दोस्तों, ध्यान रहे मेरिट पे डिसीजन नहीं हुआ है, कॉम्प्रोमाइज डिग्री हुई है, और बाद में वो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पे फाइल करता है। तो दोस्तों यहां भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन फोर नन ऑफ द अबव है, ये तो इसका तो सवाल ही नहीं होता। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन टू है। नाउ ए अलेजेस दैट ही इज अडॉप्टेड सन ऑफ एक्स, sues B to recover certain property granted to him by X under a deed forming part of X estate. अब A claim कर रहा है कि वो X का adopted son है, वो B के ऊपर मुकदमा करता है जो उसको X ने दी थी under a deed forming part of X estate. The court finds that he is not adopted son of X. But he is entitled to property under deed and decree is passed for A. The finding that A is not adopted son of X will not operate as res judicata in subsequent suit between A and B in which question of adoption is again put in issue will operate as res judicata in subsequent suit between A and B. कोर्ट्स डिस्क्रिशन नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव नहीं है, कोर्ट डिस्क्रिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो
जो ये मैटर है ये डिस्क्रिशन का नहीं है, ये प्रिंसिपल का है, यानी रेस जुडिकाटा का है कि रेस जुडिकाटा अप्लाई हो गई। तो कोर्ट अपनी मर्जी से नहीं कह सकता कि रेस जुडिकाटा अप्लाई हो गया, कोर्ट अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकता कि रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अगर जो रेस जुडिकाटा के इंग्रेडिएंट है अगर वो पूरे होंगे तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो रेस जुडिकाटा यहाँ पे मेरे हिसाब से अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जो इशू है इनके बीच में वो ये कह रहा है कि मैं इसका अडॉप्टेड सन हूँ, बी के पास ये जो प्रॉपर्टी है, राइट। तो कोर्ट ये कहता है ये इसका अडॉप्टेड सन नहीं है, पर ये इसकी ये प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड है, राइट। तो अगर किसी ऐसे केस में ये दोबारा आता है तो इस चीज़ को दिस विल नॉट बी इन इशू, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, राइट। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन वन। तो दोस्तों अगला सवाल है कि किस केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। ए इन अ प्रीवियस सूट फाइल्ड फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलेज्ड बी एज अ टीनेंट, द सूट वॉज डिसमिस्ड। ए अलेज दैट, अब अगले सूट में वो कहता है कि ए अलेज करता है कि बी ट्रेसपासर है, यहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट सूट वॉज फाइल्ड एज रिविजनल, लेटर सूट वॉज फाइल्ड एज अ मेंबर ऑफ ज्वाइंट फैमिली, यहाँ भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। अब इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन थ्री। वो कैसे? ए सूज बी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑब्टेन्स अ डिग्री, अब इसको डिग्री मिल गई। देयर आफ्टर ए फाइल्स अ सू सी ए सूज सी फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब सी के पोजेशन में प्रॉपर्टी है। सी कंटेंड्स दैट बी इज ओनर एंड ही इज इन पोजेशन एज बी टीनेंट, अब वो ये कहता है कि मैं तो बी का टीनेंट हूं, मैं बी का टीनेंट हूं। तो जब वो बी का टीनेंट है और इसके अगेंस्ट बी के अगेंस्ट ऑलरेडी इसको डिग्री मिल चुकी है, तो यहां रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, राइट। दोस्तों अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने आपको आंसर दिया है किसी क्वेश्चन का, तो वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, विच सेक्शन ऑफ सी पी सी लेज डाउन वेयर प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्वेश्चन सच कॉज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट टू विच दिस कोड अप्लाइज। तो दोस्तों इसका तो सीधा सा सवाल जवाब है सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो कि रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है, वो इसका सही जवाब है ऑप्शन टू। और दोस्तों अगला सवाल ये है दैट द लास्ट क्वेश्चन द लास्ट कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा इज दैट मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू इन सब्सिक्वेंट सूट मस्ट हैव बिन फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड बाय कोर्ट इन फर्स्ट सूट, यानी कि आप रेस जुडिकाटा कब प्लीड कर सकते हैं, जब उस मैटर को पिछली हियरिंग में यानी पिछले मुकदमे में फाइनली सुना गया और डिसाइड किया गया हो, राइट। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आ मैटर विल बी सेट टू हैव बिन फाइनली डिसाइडेड, द डिसीजन इन फॉर्मर सूट वॉज ऑन मेरिट्स, द फॉर्मर सूट वॉज डिस्पोज ऑफ एक्स पार्टी, द फॉर्मर सूट वॉज डिसमिस्ड फॉर फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस वेन टाइम वॉज अलाउड टू डू सो। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि मेरिट्स के अलावा जैसे अगर कभी आपको ऐसे कंफ्यूजन भी हो और आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन तो सही है और तीसरा चौथा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दी अबव है, तो फिर ऑल ऑफ द अबव लगा दो भले ही आपको तीसरे में डाउट हो, राइट। अगर आप दो में श्योर हैं तो फिर ऑल ऑफ दी अबव आप लगा सकते हैं। तो देखिए मेरिट पे डिसाइड हुआ होगा तो ऑब्वियसली रेस जुडिकाटा बन जाएगा, एक्स पार्टी डिसाइड होगा क्योंकि एक्स पार्टी में एविडेंस भी होता है, तो और जब एक्स पार्टी होगा तो वो इसीलिए होगा क्योंकि वो नहीं आ रहा है, वहां पे भी वो रेस जुडिकाटा होगा। और फॉर्मर सूट वॉज डिसमिस टू फेल टू बिकॉज ऑफ हिज फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस, उसको मौका मिला और वो एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो भी दोस्तों
ये रेस जुडिकाटा का केस होगा, तो इसमें हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन 4, राइट। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल ये कहता है कि अ सूट विच ऑट टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन मुंसिफ कोर्ट, यानी कि मुंसिफ कोर्ट में एक मुकदमे को दायर किया जाना था, राइट, उसको हायर डिग्री के कोर्ट में फाइल कर दिया, यानी हायर ग्रेड के कोर्ट में फाइल कर दिया, मान लीजिए हाई कोर्ट में उसने फाइल कर दिया, और उस हायर कोर्ट ने भी उसको प्लेंट को रिटर्न नहीं किया, एंड सच कोर्ट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द प्लेंट टू फाइल टू बी फाइल्ड इन प्रॉपर कोर्ट ट्राइज द सूट नॉट विदस्टैंडिंग द डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन। अब डिफेंडेंट इस चीज का ऑब्जेक्शन भी ले रहा है कि माय लॉर्ड आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अब आपको क्या लगता है, द डिक्री वुड बी नलिटी, द डिक्री वुड नॉट बी नलिटी, द डिक्री वुड नॉट बी नलिटी एज द कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड हैव पावर टू ट्राई द सूट और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसके दोनों आंसर सही है, सेकेंड टू और थ्री, सेकेंड एंड थ्री, पर क्योंकि थ्री में एक रीजन भी दिया हुआ है तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें थ्री होगा, बिकॉज द डिग्री वुड नॉट बी अ नलिटी एज द कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड हायर कोर्ट हैव पावर टू ट्राई द सूट। छोटा बड़े की ज्यूरिसडिक्शन नहीं ले सकता, यानी अगर किसी केस में हाई कोर्ट की एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है या सेशंस कोर्ट की एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, वहां पे जो छोटी कोर्ट है वो उसको ट्राई नहीं कर सकती, या इवन तक कि सेशंस कोर्ट भी हाई कोर्ट की जहां एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है वहां केस को ट्राई नहीं कर सकती, वो आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होगा। लेकिन हाई कोर्ट के लिए आप ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अगर कोई मैटर मुंसिफ कोर्ट का है या सिविल जज का है, तो अगर उसकी कोर्ट का कोई मैटर है और वो सीधा हाई कोर्ट में फाइल करता है और हाई कोर्ट उसे सुन भी लेता है इंस्टेंट ऑफ रिटर्निंग द प्लेंट, राइट, तो यहां पे ये डिग्री नलिटी नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम अपना आज का आखिरी सवाल देखते हैं। ए रेजिडेंट ऑफ दिल्ली ओन्स अ पीस ऑफ लैंड एट चंडीगढ़, बी हैज इलीगली एंड अनऑथराइजली ऑक्यूपाइड अ पार्ट ऑफ बीज लैंड एज लैंड, यानी कि बी ने ए के लैंड पे इलीगल एनक्रोचमेंट कर ली, बी इज ऑल्सो रिजाइडिंग इन दिल्ली एंड कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली, ए वॉन्ट्स टू फाइल a suit against B for recovery of possession of his land. The suit could be filed in Delhi only, the suit could be filed only in Chandigarh, the may be filed at Chandigarh or at Delhi or none of the above. तो दोस्तों इसका आंसर है may be filed at Chandigarh or Delhi both, क्योंकि ये दोनों parties जो हैं दिल्ली में रहती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो A is a resident of Delhi and B is also residing in Delhi. तो नॉर्मली तो जो है प्रॉपर्टी वहीं केस फाइल करते हैं जहां पे सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी का होता है, यानी जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, तो लेकिन यहां पे और क्योंकि जो सेक्शन 16 की सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 16 की जो प्रोवाइजो है उसके अकॉर्डिंग अगर डिफेंडेंट जहां रहता है वहां पे भी आप केस फाइल कर सकते हैं, तो उस हिसाब से दिस कैन बी फाइल्ड एट चंडीगढ़ और एट दिल्ली बोथ प्लेसेस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।